Welcome to this lecture on abstract algebra for second semester students of BSc Mathematics. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. Last lecture में हमने permutations से related कुछ basic concepts discuss किए थे. आज उन concepts को use करते हुए एक example discuss करेंगे. एग्जाम्पल डिस्कस करें उससे पहले जो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे उनको एक बार फिर से देखते हैं. सबसे पहले परम्यूटेशन हमने डिफाइन किया था. तो परम्यूटेशन फाइनाइट सेट ए से खुद पर वन वन ऑन टू मैपिंग जो होती है वो परम्यूटेशन कहलाती है. हमने इसको डिनोट करने के लिए टू रो नोटेशंस भी देखे थे. टू रो नोटेशन से अगर आपको परम्यूटेशन इस सेट का डिनोट करना है तो फर्स्ट रो में सेट के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और सेकंड रो में इसकी इमेजेस लिखी जाएंगी. लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि अगर फर्स्ट एंड सेकंड रो आइडेंटिकल हो जाएं तो परम्यूटेशन आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो जाता है. और परम्यूटेशन का इनवर्स निकालने के लिए अगर इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया जाए तो आपके पास F इनवर्स आ जाता है. ये परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने का टू रो नोटेशन है. इसके अलावा परम्यूटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकल्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. ऑर्डर ऑफ अ साइकिल उसकी लेंथ के बराबर होती है. और अगर आपको ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन निकालना है तो ये जो डिसजॉइंट साइकिल्स आई हैं इनकी लेंस का LCM निकाल लीजिए तो आपको परम्यूटेशन का ऑर्डर मिल जाता है. अब परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशंस या लेंथ 2 की साइकिल्स के फॉर्म में भी ब्रेक किया जा सकता है. परम्यूटेशन इवन है या ऑड है वो जानने के लिए आप परम्यूटेशंस को पहले साइकिल्स और साइकिल्स को ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक करिए. ट्रांसपोजिशंस की संख्या को गिनिए. ट्रांसपोजिशंस की संख्या अगर इवन आती है तो परम्यूटेशन इवन कहलाएगा. ट्रांसपोजिशंस की संख्या ऑड होने पे परम्यूटेशन ऑड कहलाएगा. तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस के इवन या ऑड होने पर परम्यूटेशन इवन या ऑड कहलाता है. अब हम इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे. अब हम परम्यूटेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं. तो दो परम्यूटेशंस आपको दिए हुए हैं. पहला परम्यूटेशन F है जो एज अ साइकिल दिया हुआ है और परम्यूटेशन G टू रो नोटेशंस में दिया हुआ है. तो क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं. सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि GF G इनवर्स इसके बराबर है. फिर आपको निकालना है कि ये GF G इनवर्स जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में ये इवन परम्यूटेशन है या ऑड परम्यूटेशन है. और तीसरे पार्ट में इसका ऑर्डर भी हमें निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम पहले प्रोसीड करेंगे जी एफ जी इनवर्स निकालने के लिए. तो एफ आपको जो दिया हुआ है एज अ साइकिल इसको हम टू रो नोटेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट रो में 1 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट्स लिख लिए. अब सेकंड रो में हम हर एलिमेंट के नीचे उसकी इमेज लिखेंगे. तो 1 की इमेज 7 है इसलिए 1 के नीचे यहाँ 7 लिख दिया. 7 की इमेज 2 है इसलिए 7 के नीचे 2 लिख दिया है. देन 2 की इमेज 6 है तो 2 के नीचे आप 6 लिख दीजिए. 6 की इमेज 3 है तो 6 के नीचे 3 लिखा हुआ है. 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 8 एंड 8 की इमेज 4 है. तो इसी के अकॉर्डिंग आप ये सेकंड रो कंप्लीट कर लीजिए. जी ऑलरेडी आपको टू रो नोटेशन में दिया हुआ है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जी इनवर्स के लिए हम जी की दोनों रोज को इंटरचेंज कर देंगे. मतलब फर्स्ट रो को सेकंड रो में लिख दिया है और सेकंड रो को फर्स्ट रो में लिख दिया है. तो ये आपका जी इनवर्स आ गया है. अब एलिमेंट्स को हम सूटेबली रीअरेंज कर लेंगे सीक्वेंस में लिखते हुए. तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हमने ऑर्डर में जमा लिया है 1 से लेके 8 तक.
और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के नीचे उसकी इमेज लिख दी है। जैसे 1 की इमेज 8 थी तो यहाँ 1 के नीचे 8 लिख दिया है। फिर 2 के नीचे इसकी इमेज 1 यहाँ पर लिख दी है। 3 की इमेज 4 थी तो यहाँ पर 3 के नीचे 4। इस तरीके से ये जी इनवर्स के एलिमेंट्स हमने रीअरेंज कर लिए हैं। अब हमें निकालना है जी एफ जी इनवर्स। तो आप देखिए ये जी लिखा हुआ है, ये एफ लिखा हुआ है और ये जी इनवर्स जो अभी ऊपर निकाला था इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब तीन का प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो जैसा आपको बताया था फर्स्ट रो में आप 1 से लेके 8 तक के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए एज सच। अब इमेजेस लिखने के लिए लास्ट वाले परम्यूटेशन से स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए 1 goes to 8, फिर अगले में 8 goes to 4 और 4 goes to 3, इसलिए यहाँ पर 1 की इमेज हो जाएगी 3। इसी तरीके से देखिए 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 7 है और 7 की इमेज 6 है, तो यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा। देन यहाँ देखिए 3 की इमेज देखते हैं, 3 की इमेज 4 है, फिर 4 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 2 है, तो इसलिए 3 के नीचे हम 2 लिखेंगे। इस तरीके से प्रोसीड करते हुए पूरी आप सेकंड रो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा जी एफ जी इनवर्स। अब जी एफ जी इनवर्स निकल चुका है, लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ जी एफ जी इनवर्स निकालना ही नहीं था बल्कि उसको इसके बराबर प्रूव करना था। अब ये कैसे प्रूव करेंगे वो आप देखिए, जो हमें प्रूव करना था उसमें जो सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं जी इमेजेस के फॉर्म में दे रखे हैं। तो अपना जो परम्यूटेशन जी था उससे हम स्टार्ट करते हैं। ये परम्यूटेशन जी आपको दिया हुआ था। अब 1 के नीचे इसकी इमेज लिखी जाती है, तो दैट मीन्स ये जो 2 है दिस इज़ एक्चुअली जी 1, 5 इज जी 2, 4 इज जी 3 एंड सो ऑन। तो ये g1 = 2, g2 = 5, g3 = 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से सभी एलिमेंट्स को हमने लिखा हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो सेकंड रो होती है ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की g इमेजेस होते हैं। तो g8 = 1, इस तरीके से सभी एलिमेंट्स की g इमेजेस निकाल लीजिए। अब जो जी एफ जी इनवर्स हमने 2 रो नोटेशंस में निकाला था इसको हम एज साइकिल एक्सप्रेस करेंगे। तो अब आप देखिए 1 की इमेज 3 है, तो 1 के आगे 3 लिख दीजिए, फिर 3 की इमेज 2 है तो 3 के आगे 2, 2 की इमेज 6 है तो 2 के आगे 6, इस तरीके से लिखते हुए इसको हम साइकिल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 8 एंड 8 के बाद वापस 1 आ रहा है, तो 8 पर आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जी इमेजेस आपने निकाली हुई हैं तो हर एलिमेंट को इस साइकिल के हर एलिमेंट को जी इमेज के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं G8, फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो 3 आ रहा है 3 की जगह आप लिख सकते हैं G4 एंड सो ऑन। तो ये सभी एलिमेंट्स को हमने G इमेजेस के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इस साइकिल के हर एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख दिया है। अब साइकिल में आप साइकिल को किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे साइकिल सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 1 की इमेज 3 है, 3 की 2 है, 2 की इमेज 6 है। इस साइकिल को आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 2, 6, 5, 7, 4, 8 और उसके बाद 1 एंड 3 आ जाएंगे। तो अभी अपना रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आया है। साइकिल को अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तो G1, G7, G2, G6, G3, G5 के बाद वापस G8 एंड G4 आ जाएंगे। तो साइकिल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है और ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें जी एफ जी इनवर्स को इस फॉर्म में प्रूफ करना था। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें डिटरमिन करना था
कि ये जो जी एफ जी इनवर्स है ये इवन परम्यूटेशन है या ऑड परम्यूटेशन है। तो ये साइक्लिक फॉर्म में इसके बराबर था, इसको ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक कर लीजिए, तो 1 8 देन 1 4 उसके बाद 1 7 देन 1 5 1 6 1 2 एंड 1 3 इस तरीके से ये ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक हो जाएगा। आप गिन सकते हैं कि ये 7 टोटल ट्रांसपोजिशंस है और 7 ऑड नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जी एफ जी इनवर्स ऑड परम्यूटेशन है। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हमको निकालना था ऑर्डर ऑफ जी एफ जी इनवर्स, तो उसके लिए जी एफ जी इनवर्स का साइक्लिक फॉर्म हम कंसिडर करेंगे। साइक्लिक फॉर्म में जी एफ जी इनवर्स इस साइकिल के बराबर था, इसमें सिर्फ एक ही साइकिल आई थी, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इस साइकिल की लेंथ 8 होगी। अब ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन होता है एलसीएम ऑफ द लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। यहाँ सिर्फ एक ही साइकिल है जिसकी लेंथ 8 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ जी एफ जी इनवर्स 8 के बराबर होगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम परम्यूटेशन ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।